ये सारी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि जो मुझे आभास हुआ था वो सत्य में घटित होने वाला है। असीमित शक्ति है और इसे ये ज्ञात भी नहीं है कि इसके उपयोग का क्या परिणाम होगा। मिलकर मुझ पे वार करने की योजना बना रहे हैं। एक छोटे से बालक पर दो दो योद्धा प्रहार करेंगे तो केवल एक डंडा की सहायता से ये अपना बचाव कब तक कर पाएगा? प्रभु, नंदी और श्रृंगी ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के ये दो गण सात्विक प्रवृत्ति के धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं। देव वो अकारण ही कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, पर महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से रोककर उनकी बात सुने बिना, कारण जाने बिना ही उनका अनादर करना अनुचित है। और श्रृंगी और नंदी ऐसे भक्त हैं कि वे अपना अपमान तो सह सकते हैं, किंतु अपने आराध्य प्रभु महादेव का कभी नहीं। और जहां तक प्रश्न सहायता का है मां, तो ऐसा लग रहा है कि सहायता की आवश्यकता बालक को नहीं अपितु श्रृंगी और नंदी को है। आओ आओ, ऐसे आनंद की अनुभूति कराऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। कौन है ये बालक? ऐसी कौन सी शक्ति है इसके दंड में कि हम इसका सामना नहीं कर पा रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया बालक। चिल्ला तो ऐसे रहो कि मैं तुमसे भयभीत हो जाऊंगा। तो आगे बढ़ो ना, आओ ना, तो फिर माँ के दंड का दंड तुम्हें भी मिलेगा। आ जाओ आगे। बालक की लाठी में माँ ललिता की शक्ति थी
और उस महान शक्ति के सामने संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति असहाय हो जाती है। उस शक्ति का सामना तो बड़े से बड़े देवता के लिए भी कठिन होता। तो फिर श्रृंगी और नंदी के लिए तो ये असंभव ही था। तूने सत्य कहा करो, इतने वर्षों बाद आप समझ पाई हो कि तू जैसा है वैसा क्यों है। क्योंकि तेरे भीतर तेरी मां की तपस्या की शक्ति है और उसी शक्ति के प्रभाव के कारण तुझे पराजित करना असंभव नहीं, किंतु हां कठिन अवश्य है। किंतु मैं ये पहचान ही नहीं पाई। अपने अभिमान में ये सोचती रही कि तुझे दास बनाकर नियंत्रित कर सकती हूं मैं। कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। लोगों को ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने क्या भूल की, किंतु ये बालक को ज्ञात नहीं था और इसीलिए वो अभी शिव गणों को चुनौती दे रहा था। तुम सब कहते कि मुझे बांध लोगे, बल से भीतर प्रवेश कर लोगे। यदि मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे स्वामी तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे ना, और मुझे भस्म कर देंगे। एक बालक से पराजित होकर मन विचलित हो गया। इस बालक का जन्म मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप हुआ था, फिर भी इतना उद्दंड है ये। हाँ स्वामी, इस बालक के व्यवहार से तो मैं भी चकित हूं। इतना समझाने पर भी इसे आभास क्यों नहीं हो रहा कि माँ का आज्ञा का पालन का अर्थ ये नहीं कि दूसरों का अनादर करे। परंतु गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बालक तो माँ पार्वती से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इतना उद्दंड और अभिमानी क्यों था। गरुड़, छोटे बालक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें कोमल हाथों के स्नेह की आवश्यकता भी होती है ताकि उन्हें सही आकार मिल सके, और भट्टी की आंच के अनुशासन की भी आवश्यकता होती है ताकि वह बलशाली और परोपकारी भी बन सके। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। औषधि लगा रही हूँ तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। सत्य कहा गुरुदेव ने, माँ ने भी बहुत अनुशासन के साथ प्यार और डांट दोनों का पालन करके ही मुझे इस लायक बनाया, उनके बिना मैं कुछ नहीं। जब माता पिता के पालन पोषण में आवश्यक संतुलन नहीं होता तो संतान हटी और उद्दंड हो ही जाती है। माँ पार्वती ने अपने बालक को आपार स्नेह तो दिया परंतु उसे अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया, इसलिए जब उस बालक के हाथों में शक्ति आ गई तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाए। माँ की लाठी में समाई शक्तियों ने उस बालक के मस्तिष्क में अभिमान भर दिया था और वह ये भूल गया था कि संसार में जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। अपने पुत्रों का पालन पोषण करने में यही भूल की थी मैंने। जब जब करुण को डांटते फटकारते हुए विनता को देखती तब तब यही सोचती मैं, कितनी निर्दयी माँ है ये। किंतु आज समझ में आया कि वो कितनी सही थी। मैंने अपने पुत्रों को केवल प्रेम दिया,
उनके मन की झीली मिट्टी में असीमित महत्वाकांक्षा के बीज बोए, किंतु अनुशासन के चलते सींचना फूल गई। संतुलन का पाठ ही नहीं पढ़ाया मैंने उन्हें, और इसलिए मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को भोगना पड़ा। ऐसा ही होता है देव, यही विधि का विधान। उधर बालक का व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी उसके लिए चिंतित हो रही थी, और प्रभु विष्णु का क्रोध बढ़ रहा था, और देवऋषि उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा था कि आगे अब क्या हो। बहुत देर से इस बालक को देख रहा हूं मैं, अब समय आ गया है कि कोई इसे भय का अर्थ सिखाए। अब तो आप ही ये प्रयास कर सकते हैं महासर्प। बस इसके बहुत निकट मत जाइएगा, इसके दंड से बहुत पीड़ा होती है सर्वश्रेष्ठ। चिंता मत कीजिए, मेरा महाविशाल रूप इस बालक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होगा। अब ये बालक वासुकी के महाविशाल रूप से अवश्य भयभीत होगा, और तभी उसके वचन को वो सम्मान भी देगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा देव, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अज्ञान और अभिमान के कारण कहीं ये बालक अपना ही अहित न कर बैठे। मुझे ज्ञान देने का प्रयास करके अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम सब अब तक नहीं समझे, पर मैं समझ गया हूँ। जो दंड के योग्य होते हैं वो फल खिलाने से नहीं मानते। ठीक है, निर्णय करो, पहला पहर तुम करोगे कि मैं करूं? तुम्हें आभास भी है कि मैं कौन हूँ? पहचानता तो नहीं हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ तुम भी और बसम वाले के कोई शुभ चिंतक हो। वैसे प्रसन्नता तो करनी चाहिए, कुछ तो बात है उस जटाधारी भिक्षु बाबा में। इतनी सारी योद्धाओं को अपनी जटाए से बांध कर रखा है उन्होंने। निवानी को विराम दे बालक, क्योंकि यदि मैंने अपना मुख खोला तो फिर विष निकलेगा। ओ, तो तुम हो वो विषधर सर्प जो त्रिनेत्रधारी के कंठ में लिपटे रहते हो। प्रशंसा तो निश्चित ही करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पशुपति है वो। मेरे बैल और अब सर्पियों की ओर से युद्ध करने आ गए। लगता है वो स्वयं भिक्षा मांगकर तुम सबकी भूख मिटाने में सक्षम है। नहीं तो ऐसी स्वामी भक्ति कहां से आती? नारायण नारायण, ये तो महादेव की निंदा करते करते उनका गुणगान करने लगे। पर विडंबना यह है कि इसे इस बात का आभास ही नहीं। नारायण नारायण। पर कहीं ऐसा ना हो कि उसे आभास होते होते बहुत देर हो जाए। वासुकी का विष बड़े बड़े असुरों के लिए प्राणघातक है,
ये तो केवल एक छोटा सा बालक है जिसे अब दंड की आवश्यकता है। बस वासु की स्थिति संभाल, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना होगा। देवी, ध्यान रखना, यदि तुम स्वामी भक्त हो तो मैं भी मात्र भक्त हूं। इसलिए हित चाहते हो तो लौट जाओ और युद्ध चाहते हो तो आगे आओ। वैसे भी जल में कीड़ा करने वाले किसी साधारण संत से अधिक नहीं हो। बढ़ चुका आकर या अभी और बढ़ा रहा है? यही सामर्थ्य है तुम्हारा? इतना ही है तुम्हारे विष्णु प्रभाव? अभी भी समझा रहा हूँ, लौट जाओ। आक्रमण करो। लगता है वासुकी बहुत क्रोधित है, कहीं वो इस बालक को हानि ना पहुंचा दे। चली गई ना मुख में। कितना तीक्ष्ण था तुम्हारा विष। अब एक बालक के पराजित होने की इच्छा से भीतर ही भीतर तुम्हें जलाएगा। बोलो आया आनंद, अब जाओ अपने महादेव से लिपट जाओ। तो ठीक है तुम्हारा, लज भेजने में बहुत ही कच्चे हो तुम। सदा है सुख भर में छुप जाते हो। अब देखना ये लज भेद का अभ्यास कितना अच्छा है।
यदि इस बालक ने वासुकी को कोई नुकसान पहुंचाया या अपनी उदंडता पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुझे स्वयं उसे इसका दंड देने जाना होगा, जो इस संसार और अन्य देवताओं के लिए योग्य नहीं होगा।